नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सभी को दिवाली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली कुछ ही दिनों में आने वाली है। इस बार दिवाली पर खास सहयोग भी पड़ रहे हैं। सबसे पहले आज आपको बताऊंगी कि दिवाली से पहले इस बार कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको लाभ होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ, जानेंगे इनके लिए कैसा रहेगा ये समय, यानी कि अब से लेकर के दिवाली तक का समय इनके लिए कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वाले, फोर ऑफ पेंटाकल्स, द स्टार एंड द हेरोफेरेंट कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। ये जो समय है आपका, देखिए कुछ भी प्लानिंग्स अगर कर रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा, आपको 100% एफर्ट का रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। कुल मिलाकर ये जो समय है किसी गुरु से ज्ञान लेने का भी है। स्टूडेंट्स को इस समय पर गुरु से दीक्षा या इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पूरा एक वन वीक जो रहेगा आपके लिए, कुछ नई प्लानिंग्स, इनोवेटिव आइडियाज़, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। नया व्यापार भी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। कुल मिलाकर ये अवधि आपके लिए काफ़ी बेहतर है। टॉरेंस की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले, द स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्स, द रिवर्स कार्ड, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, द रिवर्स कार्ड। टॉरेंस के लिए खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चों पर नियंत्रण जरूर लगाइए। हालांकि फैमिली लाइफ आपकी स्टेबल है, लेकिन मेहनत मशक्कत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है इस अवधि में। चीज़ों को पाने के लिए, चीज़ों को पूरी तरह से एक तरीके से स्मूथनेस लाने के लिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, और ख़ासतौर पर पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा खर्चा इस समय में आपको नहीं करना है। चलिए बात करेंगे अब जेमिनाइज की। द पेज ऑफ कप्स, द टार रिवर्स कार्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्स कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। सपोर्ट हालांकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा है जेमिनाइज को, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे हैं आप लोगों के लिए, वो बढ़ सकते हैं। उसमें टेंशन, एंग्जाइटी बढ़ सकती है आप लोगों के लिए। समय स्ट्रेस वाला तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। दैट मींस फैमिली का सपोर्ट भी है, बल्कि आसपास से भी आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहिए, आपके काम ज़रूर पूरे होंगे। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। द हर्मिट, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द रिवर्स कार्ड, फोर ऑफ कप्स, रिवर्स कार्ड। कंसेरेंस के लिए जो स्टेबिलिटी अभी तक चल रही थी, इसमें गड़बड़ हो सकती है। ये थोड़ी सी उथल पुथल आपके सामने आ सकती है। हालांकि इस समय में आपको हर किसी से राय लेने की ज़रूरत है। जो भी कंसर्न पर्सन है, जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे राय लेकर के आप आगे बढ़िए। इस दौरान इन्वेस्टमेंट्स करना अच्छा नहीं रहेगा। शेयर मार्केट, इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। ज़रूरी है समय पर अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सिंह राशि, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकला है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि दूर की सोच करके चलेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इस अवधि में, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। लेकिन साथ ही साथ में नाइन ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कोई भी काम करने की शुरुआत अगर करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत स्टार्टिंग के फेज में ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि दिवाली पर खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ में लग्जरीज भी बढ़ेंगे। कन्या राशि, थ्री ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, इस अवधि में बहुत ज़्यादा जोश में आकर के कोई काम करेंगे तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर के कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। इस दौरान यात्राएं आपको नहीं करनी है, यात्राएं थोड़ी कष्टदायक हो सकती हैं। हालांकि पैसे का इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है और साथ ही साथ में नया व्यापार शुरू होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए और कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ जाए, आपके लिए समय अच्छा है। तुला राशि, द सन रिवर्स कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। हालांकि जिन लोगों को आपने पहले समय में कुछ ना कुछ हेल्प करी है, इस समय में आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं हेल्प की। अगर बात करी जाए फर्स्ट कार्ड की, द सन, दैट मीन्स आपका जो मान सम्मान है अभी तक मिला है, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपके सीनियर्स इस दौरान आपसे नाखुश रहेंगे, आपके काम से नाखुश रहेंगे। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो लिब्रंस को तालमेल बनाने की ज़रूरत है अपने सीनियर्स के साथ भी, अपने घर में जो लोग हैं, आपके परिवारजन हैं, उनके साथ भी। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान देना है, अपनी फाइनेंसिस पर भी ध्यान देना है। स्कॉर्पियंस के लिए, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है। तो किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, नए कारोबार की, किसी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है मे बी, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं भी कन्फ्यूजन्स भी बढ़ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ रही हैं। तो रिश्तों में थोड़ा केयरफुल हो जाइए। इसी के साथ साथ
एक ही चीज़ को दो तरीके से करने का प्रयास मत कीजिए या फिर दो तरफा मत सोचिए, वो आपके काम को बिगाड़ सकता है। धनु राशि, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। धनु राशि वाले लोग बहुत स्टेबल होकर के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस दौरान इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत फोकस बना हुआ रहेगा आप लोगों का, लेकिन फिर भी अपने जो गुरुजन हैं, आपके जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा आप लोग लेके चलेंगे। कुल मिला के समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मकर राशि, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल द वर्ल्ड, तो रुके हुए काम आप लोगों के पूरे होंगे मकर राशि वालों के। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर सकते हैं, जिनकी वजह से काम के बीच में अड़चनें तो आएंगी, लेकिन रुके हुए काम जैसे मैंने कहा पूरे हो जाएंगे। उसके लिए ज़ोर शोर से मेहनत करना अभी से ही शुरू कर दीजिए। दिवाली तक का समय आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि, पहली फर्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ पेंटाकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फाइव ऑफ कप्स रिवर्स कार्ड। तो रिश्तों में थोड़े बहुत टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे चीज़ें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा द व्हील ऑफ फॉर्चून दैट मीन्स कॉन्टिन्यूशन में रहेंगी आपके कामकाज से जुड़ी हुई चीज़ें। आपने जिन लोगों से कर्जा लिया हुआ है या जिनको कर्जा दिया हुआ है, वो मामले इस समय में निबट जाएंगे। कोर्ट कचहरे के मामले भी रिजॉल्व हो सकते हैं। इस दौरान आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिला के समय काफ़ी अच्छा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड निकला है। मीन राशि वाले लोग डिसीजन मेकिंग बहुत फॉर्मली कीजिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में फैसले गलत कर सकते हैं आप लोग। सिक्स ऑफ कप्स दैट मीन्स अभी तक जो काम शुरू नहीं किया है उसकी सिर्फ प्लानिंग से ही कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उसको आप मौका नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश कीजिए हार्डवर्क करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी आप शुरू कर दीजिए। मीन राशि वाले लोगों को सेहत का इस दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ों में काफ़ी सावधान रहना है। तो चलिए, तो बात हुई राशियों की, और आपने जान लिया कि ये जो समय है दिवाली से पहले का, कौन सी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है और कौन सी राशि वालों को सावधान रहना है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कुछ खास उपायों की। तो दिवाली वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों को आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा रहती है, वो इस दिन अपने घर के मंदिर में ही सोएं, जहाँ पर आपने पूजा करी है वहीं पर ही सोएं। साथ ही में आप लोगों को करना क्या है, इस तरह से अपने हाथों की शेप बना करके आपको चावल लेने हैं। चावल को पीस करके उसका लिक्विड फॉर्म बनानी है, और उसके बाद अपने हाथों को इस ऐसे करके हाथों से आपको पैर के निशान बनाने हैं। पैर के निशान आप कैसे बनाएंगे, अपने घर के मेन एंट्रेंस से लेकर के बिल्कुल पूजा स्थान तक, जहाँ पर आपने पूजा की स्थापना करी है, जहाँ पर आपने माँ लक्ष्मी की स्थापना करी है, बिल्कुल मंदिर तक आपको उन चरणों को लेकर के जाना है। और वहाँ पर पैसे ज़रूर रखेगा, पैसों की जो नोट की गड्डी होती है वो ज़रूर रखेगा पूजा के दौरान। पैसों की पूजा भी आपको ज़रूर करनी है, लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। ये चरण आपको इस तरह से बनाने हैं, एक के बाद एक करके इस तरह से आपको चरण बनाते जाने हैं। इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्मी जी इस दिन आपके घर में विराजमान हो रही हैं। इसमें चावल जो है, चावल को पीस करके इसको बनाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जिस दौरान पूजा आप करेंगे उसके बाद रात्रि का जो समय रहेगा आप मंदिर में ही सोएंगे। उसके बाद जिन लोगों का नज़र दोष बहुत ज़्यादा हो जाता है, नज़र बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है, उनको क्या उपाय करना है। इस दिन जो दीपक जलाते हैं आप सभी, कई सारे दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन जिस समय पर रात्रि का समय होता है आपको तकरीबन 11-12 बजे के आसपास एक बड़ा दीपक जलाना है। बड़ा दीपक आपको जलाने के बाद उसे उसी बड़े दीपक से ढक देना है, ताकि कोई भी एयर जो है वो पास ना हो पाए। बड़े दीपक से आपको ढक देना है, वो जब जलता जाएगा तो सुबह उठ करके वो एक आकृति बन जाएगी उसमें, और उसी आकृति से आपको हर किसी की आँख में, जितने भी घर में सदस्य हैं उनकी आँखों में काजल के रूप में डाल देना है, या कोई छोटा बच्चा है उसके आप तिलक लगा दीजिए काजल का। इस उपाय के करने से निश्चित तौर से नज़र दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह की कोई बुरी नज़र है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है, इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। दिवाली का ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, साथ ही में आपके भाग्य को बनाए सुंदर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।